कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जीका का भी अब कलर। मोदी जी ने भी कुछ राज्यों को हिदायत भी दी है देश के, महाराष्ट्र भी शामिल है। ये सचमुच में चिंता का विषय है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के अनेकों देशों में। आज इंग्लैंड में देखा, वहां लगभग 55,000 के आसपास कल पॉजिटिव केस आए हैं। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ तो वहां ये स्थिति है। दुनिया के और देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे देश में भी अगर देखें तो कई राज्यों के कई जिलों में पॉजिटिविटी 10% से कम नहीं हुई, ऊपर है। इसका मतलब साफ है, वायरस अभी है। दक्षिण के और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं और रोज उनकी संख्या कई जगह बढ़ भी रही है। और इसलिए प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि वो निश्चिंत ना हो। कल भी हमने 78,000 टेस्ट मध्य प्रदेश में किए, परसों के टेस्ट में आए थे 11 पॉजिटिव। कल के जो टेस्ट हुए 78,000 उनमें आए 18 पॉजिटिव केस। इसका अर्थ यह है कि मध्य प्रदेश में वायरस है और पॉजिटिव केस भी लगातार आ रहे हैं। अगर हम असावधान रहे तो ये तीसरी लहर को निमंत्रण देना होगा। रोकने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक अधिकतम टेस्ट करने की। पॉजिटिव जो आते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, आइसोलेशन या अस्पताल में रखने की व्यवस्था करते हैं। एक तरफ यह अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ टीकाकरण का अभियान, और तीसरी तरफ थर्ड वेव अगर आई तो उससे बचाव के जितने प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं, अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार करके उस काम में भी हम लगे हैं। लेकिन सबसे अगर प्रभावी कोई उपाय है तो वो कोविड संक्रमण के को रोकने के अनुकूल व्यवहार। और इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी भी हमको आगाह कर रहे हैं, WHO ने भी कहा, स्वास्थ्य विभाग भी बार बार आग्रह कर रहा है कि हम निश्चिंत ना हो, सावधानी।